अगर आप भी K-pop सेंसेशन BTS के चाहने वाले हो, उनकी हर छोटी बड़ी अपडेट से अवेयर रहते हो, तो आपको पता चल गया होगा कि आज सुबह से सोशल मीडिया पर BTS फिर से ट्रेंड कर रहे हैं। दुनिया भर की करोड़ों BTS आर्मी आग बबूला है। एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी कोरिया में हो गई है, जिसके चलते हैशटैग अपोलोजाइज टू BTS, BTS मेड हाइव, इस तरह के हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं। इस कंट्रोवर्सी को अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि अब इन हेटर्स को, इन बेवकूफ लोगों को BTS की तरफ से ही जवाब मिलना स्टार्ट हो गया है। हाँ आर्मी, अगर आपको नहीं पता मैं किस कंट्रोवर्सी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये सब हुआ है MBC जो एक कोरियन चैनल है, उसकी वजह से हाल ही में उन्होंने अपना टीजर रिलीज किया है अपने नए एपिसोड का, जिसका नाम है हैंग आउट विद यू, जिसमें वो 17 मेंबर्स से मिलने के लिए हाइप की बिल्डिंग में आते हैं, वहाँ टूर करते हैं, और इसी के बीच वो ये गलती करते हैं कि वो अपने शो में BTS को क्रेडिट ना देकर हाइप को यहाँ तक पहुँचाने का क्रेडिट 17 को दे देते हैं, ये बोलते हुए कि हाइप यहाँ तक 17 की वजह से आया है, 17 ने हाइप को बनाया। और फिर क्या था, फैंस ने MBC को अपने घेरे में ले लिया, टारगेट करना, ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया कि MBC को कोरिया के बारे में, K-pop के बारे में कुछ नहीं पता, कि BTS ने न सिर्फ K-pop को, उनकी कंपनी को, बल्कि पूरी कोरिया को कितना फेमस किया है। और सुबह से ही फैंस MBC से BTS को माफी मांगने की डिमांड कर रहे थे कि अब जंगकुक ने, BTS ने भी इनको करारा जवाब दिया है अपने धमाकेदार रिकॉर्ड से। यहाँ कल से ही फैंस काम पर लगे हुए हैं, सारी रिपोर्ट खंगाल मारी है, जिसमें आर्मी को पता चला है कि 2023 से अब तक हाइप के टोटल रेवेन्यू में, यानी कि जितना भी पैसा हाइप ने कमाया है, उसका कुल मिलाकर 60% BTS ने उन्हें दिया है, यानी कि आधे से ज़्यादा तो हाइप BTS की वजह से कमा रहा है, और एक तरफ बाकी सारे आर्टिस्ट और सोर्सेज, जिससे आप उनकी पॉपुलैरिटी, उनके कंट्रीब्यूशन का अंदाज़ा लगा सकते हो। साथ ही साथ जंगकुक ने भी मुंह तोड़ जवाब इन लोगों को दिया है, जब अभी कुछ ही देर पहले रिपोर्ट पब्लिश हुई है कि किस तरह सिर्फ अकेले जंगकुक ने हाइप की फाइनेंशियल ईयर के आखिरी 3 महीनों में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हाइप को अकेले कर दिया है, इवन BTS और सभी से ज़्यादा। तो ये MBC नल्ले रिपोर्ट्स वाले कैसे ये क्लेम कर सकते हैं कि 17 ने हाइप को बनाया है, जबकि अकेला सिर्फ एक BTS का सुपरस्टार सभी आर्टिस्ट से, सभी ग्रुप से ज़्यादा रेवेन्यू इन लोगों को कर दे रहा है। तो यही था BTS और जंगकुक का इन लोगों को जवाब। आगे आप लोग इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर क्या सोचते हो, अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।